इंजरी हो जाए तो आप फौरन इसको अप्लाई करें। मामा जी हम लोग यूं बांधते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ये अभी दानिश जब चलेंगे तो आपको बताएंगे इसका फायदा क्या है। अब आप गौर से देखिएगा, इसका एंकल बहुत अब स्टेबल है दानिश का, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा पैर या यूं मुड़ता है या यूं मुड़ता है, तो यहाँ पे भी लिगामेंट है और यहाँ पे भी लिगामेंट है जो खिंच जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सूजन भी आ जाती है और हमें चलने भी मसला होता है। ये पूरे एंकल को अब स्टेबल कर दिया है, अब ना एंकल यूं होगा ना एंकल यूं होगा, तो स्टेबिलिटी रहेगी। एक नॉर्मल आदमी, इसको पेन नहीं हुआ है, ऐसे मुझे पेन नहीं है तो मैं इरिटेशन फील कर रहा हूं कि हां मैं इतना टाइट हो गया कुछ, इसका मतलब है कुछ चीज ने मुझे स्टेबल किया, मेरे जो रह गई जो स्ट्रैप है मेरा एंकल जिसे हम कहते हैं वो स्टेबल हुआ है, मगर मैं कि पेन में नहीं हूं तो मेरी कैफियत कुछ और है, अब वो मुझे उल्टा काम कर देंगे। पेन में इज कॉल्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन का क्या मतलब होता है, उसे दबा दिया, कंप्रेस कर दिया जाए, तो कंप्रेशन है, इसलिए ही इज फीलिंग अनइजी। लेकिन जो पेशेंट होगा उसको वो बेहतर लगेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ स्वेलिंग बढ़ रही है, हमने स्वेलिंग को भी कम करना है तो कंप्रेस करके रखेंगे, जितने लिगामेंट्स हैं यहाँ पे वो सब स्टेबल हैं और ये पूरा एंकल जॉइंट जो है बेसिकली ये पूरा स्टेबल है, ठीक है। एक तो ये हो गई, अब इसके अंदर हम बताएंगे आपको के टेक है। ये आप बहुत गौर से सीखें, ये घर में अक्सर घर में लेडीज भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, चोटें लगती हैं, तो हम ये काम हम खुद कर लें, ना कि इसके लिए हम किसी जनरल फिजिशियन के पास जाके पैरों की गोली लेके आ जाए। बिल्कुल यही करते हैं हम लोग, इतनी ट्रीटमेंट आदमी को आनी चाहिए। वो कहते हैं हड्डी तोड़ना दवाई छोड़ना यही। और एक कराटे प्रोफेशनल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसको ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर आए। Now this is K-taping, ठीक है? अब आप लोगों को नजर आएगा कि हाउ स्ट्रेचेबल इज दिस टेप। इसको हम प्लेस करते हैं, इसको कहते हैं मीडियल मैलियोलस, ये जो हड्डी जो अंदर की तरफ होती है, दिस इज मीडियल मैलियोलस, ठीक है। अब इसको हम बेसिकली स्ट्रेच करेंगे और आप देख रहे हैं कितना स्ट्रेच है, इधर करना था, ये देखें, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है और ये कितना स्ट्रेच हो रही है, देख रहे हैं, इसको स्ट्रेच करके यहां लगा दूंगा, ठीक है। ये पहला टेप हमने लगा दिया, क्या ये टेपिंग में थकान भी कर सकते आराम मिलेगा? नहीं, ये थकान भी नहीं कर सकते। जिसे नहीं दिख रहा वो काइंडली आगे आगे देख ले, ये ना होना कि शायद आपको वैसे कहीं देखने को ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को आती है। बेसिकली हमारा जो सेटअप है ठीक है नहीं है, इसके
इसके लिए दानिश को बेसिकली लेटा हुआ होना चाहिए था और इसका पाँव वहाँ होना चाहिए था तो ये बेहतर लगती। लेकिन बहरहाल अभी चूंकि हम सिखाने का पर्पज़ है हमारा, तो ये जो आपकी जो पूरा आर्च है इसको सपोर्ट करेगा, जो पूरी आर्च है बेसिकली इसको सपोर्ट करेगा। और एक और इसमें लगेगी और फिर इज गुड टू गो। आप चाहे तो उसको किसी पेज पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, एक लैग की शक्ल में ड्रॉ करते रहे, उस पर टेपिंग करते हैं, वन टेप यहाँ आ रही है, टू टेप यहाँ से आ रही है, इस समय आपको इसी याद भी आएगा या हो सके वीडियो बना। फिजियोथेरेपी की बेसिक पता है आप लोगों को, जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई, नहीं पता वॉक के बाद आता है। तो अब इसमें दानिश बहुत कंफर्टेबल होगा क्योंकि अगर ये नॉर्मल बंदे को भी लगाई जाए तो उसके लिए भी बहुत इजी है ये, ठीक है। मैं इस छोटी सी बात पे एक बात करूँगा, अक्सर जैपनीज आप देखेंगे, कोई और नहीं सिर्फ जैपनीज करते हैं काम, जो फाइट करते हैं क्योंकि उनका वुडन फ्लोर होता है, वो हमारी तरह कच्चों में नहीं करते, यही टैपिंग होती है जो वो अपने अंगूठों पर यहाँ लगाते हैं। और मैं इस समय जो फील कर रहा हूँ कि मुझे किसी शिन पैड की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह खेल सकता हूँ, स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी बहुत फील होती है मुझे। एक चीज़ मैं बता दूँ, आमतौर पर जूडो में खासतौर पर या जिमनास्टिक में भी लोग कंधों के बल जब गिरते हैं तो सुपराइकाइंडस टेंडिनाइटिस बड़ा कॉमन है, ठीक है। तो शोल्डर सपोर्ट के लिए एक टेपिंग मैं बताई देता हूँ तो वो इंशाल्लाह फ्रूटफुल रहेगा। अब ये हम बेसिकली डेल्टॉइड को सपोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सुपरास्पाइनस टेंडिनाइटिस के अंदर हम यहाँ से लेते हैं सेम एंगल, ठीक है, और डेल्टॉइड की सपोर्ट के लिए हम यहाँ से एंगल। आज ही सब आज के लिए ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये महंगी बहुत है। नहीं उससे नहीं हो सकता, जैसे मैंने बताया इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है स्ट्रेचेबल है, और कोई भी आपको स्ट्रेचेबल नहीं मिलेगी, जो मेडिकल टेप है वो स्ट्रेचेबल नहीं होती। सॉरी ये तो मैंने बाहर से मंगाया, नहीं
बहुत कम जगहों पे मिलता है। सर अगर सम टाइम स्कूल में इंजरी हुई है, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, तब हम वहाँ क्या करेंगे? उधर हाँ उधर हम क्या वहाँ हम किस चीज़ से मैनेज? उधर फिर मुझे एक दुपट्टा चाहिए होगा जिससे मैं बता दूंगा कि दुपट्टे से कैसे मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल से पहले जो इवेंट चल रहा है इसको फाइनल करना है, फिर दुपट्टे भी आ जाएंगे। तो मुझे हरियाणा में डेल्टॉइड बेसिकली यहाँ से ये होता है। डेल्टॉइड का फंक्शन क्या है? वो हाथ ऐसे भी उठा रहा होता है, हाथ ऐसे भी उठा रहा होता है और हाथ पीछे भी लेके जा रहा होता है, ठीक है? तो हम बेसिकली उस डेल्टॉइड के लिए भी टिपिंग करते हैं। ये इंजरी सम टाइम बॉडी बिल्डिंग में भी हो जाती है। उसका पेन आपको याद होगा कैसा होता है? जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था जब तक आपको मसल्स का आर्टिकुलेशन और इंस्ट्रक्शन पता ना हो आप इसी तरह मच जाएगा। एक अननोन बंदा जिसको मेडिकल के बारे में कुछ नहीं पता, उसको मसल्स को पता ही नहीं है, कौन सा वाला कास्ट निकल रहा है, पता चला इंजरी आपके कॉलर बनने वाली है, आपने टीपिंग कर दिया अपने डेल्टॉइड में, सब इवन कि आपने इसको मजे खराब बिगाड़ दिया, तो इसका इसका जो जहाँ तक नॉलेज है उसमें ये कहा गया था कि जब तक इसको सपोर्ट देंगे डायरेक्टली रेफर डॉक्टर दिस इज के टेप फॉर डेल्टॉइड, ठीक है? ये शोल्डर सपोर्ट करेगा बेसिकली। बना लो ये मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? लगा ही ना किसी ने नहीं कुछ तो सपोर्ट के लिए आप किस तरह करें और बंदा लिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ जिसे साफ का पड़ता है वो है पेन, तो वो किस तरह उसको दूर किया जाए? पेन में रिलीफ देगा पेन कैसे? अच्छा, पेन हो किस लिए रहा है पहले तो हम इस बात पे बात कर लेना, पेन किस लिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, ऐसा ही है। अगर हमने इसको के टेप के थ्रू स्टेबिलाइज कर दिया है, प्राइस का प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ईजी मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है? क्योंकि दिस इज स्टेबल ना, ठीक है? अच्छा, एक एल्बो बता दूँ, टेनिस एल्बो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और ख़ासतौर पे जो टेनिस के प्लेयर हैं या जो टेबल टेनिस खेलते हैं उन दोनों में। तो उसके लिए एक टेपिंग बता देता हूँ मैं एल्बो की, एक तस्वीर होगी देश नॉर्मली किसी कोर्स में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें जानबूझ के मिस करते हैं, कहते हैं हमारे काम की नहीं, बाकी कभी काम नहीं आई, कोशिश कीजिएगा कि मुझे ऐसा लेके चले जाएंगे, मुझे दुआ मिल जाए, इन्हें दुआ मिल जाए। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि वो चीज़ जो नहीं होती वो हमें सीखने को मिल रही है। सपोर्टर रहिए, मुझे पता हाथ में नीचे लेके जा रहा हूँ तो कोई मसल ऐसा है एक्स्ट्रा में मसल मुझे मिली है जो मुझे रोक रहा है पेन की तरफ जाने से और स्ट्रेच आ जाएगा। बिल्कुल, वो सपोर्ट करेगा। इंजरी क्यों हुई है? क्योंकि एक्सेसिव हाथ खुल गया है,
जिस तरह हम लैंड अगर गलत कर जाएं हाथ पे, जूडो के अंदर अगर टेक्निक है, जिमनास्टिक के अंदर अगर है, या कराटे में हमने किक मारी किसी ने ब्लॉक करके और हम पीछे गए तो हाथ पे गिरे ना, फौरन चोट आई। अब उसके अंदर जब भी आप हाथ कंप्लीट खोलेंगे आपको पेन होगा, तो उसके लिए अब ये सपोर्ट है कि अगर ये दानिश अपनी कंप्लीट खोलना चाहे तो उसे थोड़ा सा जान लगानी पड़ रही है, तो इसने सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, इसका फायदा क्या है? अब आप लोग चाहें तो बैठ जाएं। जैसे मैंने बताया कि बहुत कम लोगों को ये के टेपिंग आती है। ये इसमें हम ये कर सकते हैं, लाइक मेरा अपना क्लिनिक है डिफेंस के अंदर, ठीक है, मैं वहाँ पर इस टेपिंग की 1000 रुपये चार्ज करता हूँ। ठीक है, एक टेपिंग है, एक टेपिंग से मुराद जो सिर्फ इसको यहाँ लगाई वो एक टेपिंग थी, जो यहाँ लगाई वो एक टेपिंग थी, और जो यहाँ लगाई वो एक टेपिंग थी। ठीक है, इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों में से ही निकला हुआ हूँ, अगर किसी कराटे वाले को करनी होगी, ठीक है, तो उसे सिर्फ 30% में कर देंगे, 70% डिस्काउंट। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं खुद आप लोगों के दरमियान से ही निकल के यहाँ पे। ठीक है, किसी की जरूरत पड़े तो वो दानिश से मेरा नंबर ले सकता है। अगर वो कराटे कास्ट है, स्पोर्ट्स वाला है, तो आ सकता है। ठीक है, हर किसी को फेवर नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, आप कराटे वाले आप किसी के रेफरेंस हैं, लेकिन सरफराज भाई यहाँ पे, दानिश है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, तो बिल्कुल एक फ़ोन पे काम। ठीक है, अच्छा, जब इसका फ़ायदा क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये समझ लिया जाए। जैसा कि आपने देखा, के टेप को आपने स्ट्रेच करके लगाया है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये करता क्या है, ये आपकी स्किन को लिफ्ट कर लेता है। जब आपको चोट लगती है तो कंप्रेस आ जाता है ना, ये आपकी स्किन को लिफ्ट कर रहा है। स्किन को लिफ्ट करने से क्या फ़ायदा होता है कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा आती है, और ब्लड सप्लाई जब बढ़ती है किसी भी एरिया की, तो आपको पता है जो पेन प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जिसे हम नॉसियोसेप्टिव्स कहते हैं, वो वहाँ से फ्लश आउट हो जाते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ब्लड सप्लाई जब आपकी बढ़ेगी तो आपका मसल ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर ही वो न्यूट्रिशन आ रही है ना, ब्लड से ही तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही है आपके मसल्स को। तो ये तमाम फ़ायदे इस के टेपिंग के हैं। इस के टेपिंग का एक सबसे बड़ा फायदा कि अगर माइनर इंजरी हुई है आपको, तो यू कैन कंटिन्यू योर स्पोर्ट्स, वरना अगर कोई माइनर या मेजर कोई भी इंजरी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है, साइड में बैठो, यू कैन नॉट कंटिन्यू द स्पोर्ट्स। लेकिन इसका फायदा यह है कि अगर आपको माइनर इंजरी है तो ये टेप करके आपसे स्पोर्ट्स कंप्लीट करवा लेंगे, और उसके बाद फिर आप रेस्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये फैसला कि माइनर है कि मेजर है, स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना चाहिए या आराम करना चाहिए, ये इस्तेहकाम आप लोगों का, ये इस्तेहकाम डॉक्टर का है या उस फिजियोथेरेपिस्ट का है जो वहाँ पे मौजूद है। मैंने पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के साथ और सिंध कराटे फेडरेशन के साथ एज फिजियोथेरेपिस्ट भी काम किया हुआ है,